इस टाइप को देखिए, इंटीग्रल में इस टाइप के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट जो भी हमें गिवन दे रखा है उसे आप आई लेट कर लीजिए, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम मल्टीप्लाई करते हैं साइन का, साइन ए माइनस बी का मल्टीप्लाई करते हैं हम इसमें, साइन ए माइनस बी का हमने इसमें मल्टीप्लाई किया। देखिए अगर यहां दोनों कॉस हैं तो साइन का मल्टीप्लाई करना है आपको, दोनों साइन है तब भी साइन का मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, अगर एक साइन एक कॉस है तो उस केस में हम कॉस का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये न्यूमरेटर में टर्म बन जाएगी साइन ए माइनस बी। दोनों जगह हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। देखिए ऐसा करने से क्या होगा, या फिर ये स्टेप करने का हमारा क्या मोटिव है समझिए आप। अगले स्टेप में जो हमने यहां पर साइन ए माइनस बी का मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, ये ऊपर वाला जो साइन ए माइनस बी है इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि डिनोमिनेटर की ये दोनों फैक्टर इसमें आ जाए। हमने इसको ऐसे लिखा एक्स माइनस बी माइनस ऑफ एक्स माइनस ए, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो वापस से वही बन जाएगा साइन ए माइनस बी, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का ए बन जाएगा, ए माइनस बी बन जाएगा, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डीएक्स। अब यहां पर फॉर्मूला लग रहा है साइन ए माइनस बी का, ये पूरा ए है और ये वाली टर्म बी है, फॉर्मूला लगेगा यहां साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये वाला फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। देखिए करते हैं हम अप्लाई इसमें, तो आई के इक्वल में है या न्यूमरेटर में हम अप्लाई करेंगे अपॉन में बाहर वाली जो टर्म है वो ऐसी चल रही है साइन ए माइनस बी, और यहां ऊपर हमने अप्लाई किया साइन ए साइन एक्स माइनस बी कॉस बी मतलब कॉस एक्स माइनस ए, और माइनस का टर्म है कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए, अपॉन में पूरी टर्म चल रही है कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। अब हम जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसका सेपरेट दोनों में डिवाइड करेंगे, तो दोनों में देखिए सेपरेट डिवाइड करते हैं, आई के इक्वल में है वन अपॉन साइन ए माइनस बी, यहां पर हमने सेपरेट डिवाइड किया साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए, इसमें डिवाइड करिए कॉस एक्स माइनस ए का इंटू कॉस एक्स माइनस बी का, और माइनस में जो टर्म है उसमें भी हम डिवाइड कर रहे हैं कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए, इसमें भी हम इसका डिवाइड कर ले रहे हैं एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी का। देखिए यहां पर ये जो है कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, पूरे के बाहर जो है ब्रेकेट है, ये वन अपॉन साइन ए माइनस बी दोनों के बाहर है, और सेकंड वाले फैक्टर में भी कुछ कैंसिल हो रहा है, कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। इसके आगे लेफ्ट साइड में देख लेते हैं, हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं इसको, तो यहां पर दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाते हैं इस मेथड में। आगे देखिए आई के इक्वल में दिया है वन अपॉन साइन ए माइनस बी, देखिए यहां पर कैंसिल हो गया साइन अपॉन कॉस बनेगा टेन, ये बन जाएगा टेन एक्स माइनस बी, और माइनस का दे रखा है साइन अपॉन कॉस, यहां पर अगेन फिर से टेन बन जाएगा टेन एक्स माइनस ए डी एक्स। इंटीग्रल कर दीजिए अब टेन का, तो टेन का इंटीग्रल क्या होता है भाई बताइए, टेन का इंटीग्रल, टेन का इंटीग्रल हो जाएगा लॉग sec x, तो log sec कर दिया हमने इसको, log sec x माइनस यहां पर भी करिए log sec, तो यह जाएगा log sec x, और प्लस का c चल रहा है पूरे के बाहर में, i आ गया वन अपॉन साइन ए माइनस बी। लॉग की प्रॉपर्टी लगाइए, अगर log में माइनस में होता है तो टर्म डिवाइड में आ जाती है, तो यह आएगा log log, और ये दोनों माइनस में थी टर्म तो डिवाइड में आ जाएंगी sec x माइनस बी अपॉन sec x माइनस ए,
प्लस सी, ऐसे तो ये आपका आंसर हो गया है। बट अगर हम देखें तो sec को हम cos में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पूरा क्वेश्चन जो था वो साइन और कॉस के फॉर्म में था, तो हम चाहे तो sec को cos में कन्वर्ट कर दीजिए, sec को 1 अपॉन cos लिख सकते हैं, तो sec को 1 अपॉन cos लिखेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा cos x माइनस a, और ये अपॉन में पहुंच जाएगा cos x माइनस b। तो ये है आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन क्यूब एक्स डी एक्स। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं इंटीग्रल में, सबसे पहले आप इसे हाईलाइट करिए, साइन क्यूब एक्स डी एक्स। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम फंक्शन को ब्रेक करते हैं, जैसे साइन की पावर 3 है, साइन की पावर 5 हो, साइन की पावर 7 हो, या सिमिलरली कॉस वाले क्वेश्चन में हम ऐसा ही करेंगे, इसको फर्स्ट हम ब्रेक करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। सिंगल फैक्टर एक जो है हमें यहां पर अलग से चाहिए होता है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, ये जो हमने ब्रेक करा है और जो इवन पावर वाला फैक्टर है इसे हम चेंज करेंगे कॉस में। इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब आप इसे टी लाइट कर लीजिए, तो कॉस को हमने टी लाइट कर लिया, कॉस एक्स को हमने टी लाइट कर लिया, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, तो कॉस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब ये जो माइनस साइन है इसको राइट साइड ले जाते हैं हम, क्योंकि हमें साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू बस चाहिए, तो साइन एक्स डी एक्स यहां से आ जाएगा माइनस ऑफ डी टी। ये दोनों वैल्यूज आप इसमें पुट कर दीजिए, दोनों वैल्यूज में रख देते हैं हम, तो देखिए क्या आएगा, आई इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर, हमने कॉस एक्स को टी रखा था तो हमने उसकी जगह टी लिख दिया, इस पूरी टर्म की जगह हमें चाहिए माइनस डी टी लिखेंगे हम यहाँ, तो माइनस डी टी लिखिए, आई आएगा, ये जो माइनस साइन है इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा डी टी, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी। आई की वैल्यू माइनस 1 का इंटीग्रल होगा माइनस ऑफ टी, क्योंकि हम टी के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे होते तो ये हो जाता माइनस का एक्स, प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रल होगा टी की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। एज यू नो वेरी वेल कि एक्स पावर एन का इंटीग्रल होता है एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहां लगाया है टी स्क्वायर के इंटीग्रल में। अब टी की वैल्यू रख दीजिए जो भी आपने लाइट की थी, टी की जगह हम रख सकते हैं कॉस एक्स, तो हमने यहां रख दिया कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अभी जो हमने टाइप देखा था साइन क्यूब एक्स वाला, उसी के जैसा फिर बिल्कुल हम सिमिलर क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें हमें ब्रेक करना रहेगा, तो जिसकी ऑड पावर होती है उसी को ब्रेक करना है यहां पर, है ना, मिस्टेक नहीं करना आपको, कॉस स्क्वायर को ब्रेक नहीं करना है, जिसकी पावर ऑड है उसी को ब्रेक करना है। तो हमने साइन क्यूब एक्स को ब्रेक किया, ब्रेक ऐसे करना है कि हमें एक ही बस यहां पर साइन एक्स एक्स्ट्रा जो है वो चाहिए होता है, जो एक्स्ट्रा साइन एक्स है उसको हमने यहां लिखा। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल तो आएगा साइन क्यूब एक्स, तो हमें क्यूब वाले पार्ट को हमने स्क्वायर और एक सिंगल टर्म में ब्रेक कर लिया। हमें एक सिंगल टर्म चाहिए थी जिसे हम टी लाइट करते हैं, तो लास्ट में ये डी टी का फॉर्म बन जाए। अब हमने जो ये इवन फैक्टर बचा है इसको अदर फंक्शन में चेंज करना है, जैसे अगर यहाँ साइन है तो कॉस में चेंज करिए, अगर हम कॉस को चेंज कर रहे हो, कॉस को ब्रेक कर रहे हो तो कॉस को साइन में चेंज करते हैं। तो साइन स्क्वायर को हमने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यहां भी है कॉस स्क्वायर एक्स और यहां पर साइन एक्स डी एक्स। अब आप कॉस एक्स को टी लाइट कर लीजिए, कॉस एक्स को हमने टी लाइट किया, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब यहां पर तो जो टर्म है वो साइन एक्स डी एक्स है, तो माइनस साइन को राइट साइड ले जाइए, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ डी टी, रख दीजिए, जो भी हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर रहे हैं यहां पर ये रख दीजिए, आई इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि हमने कॉस एक्स को टी लाइट करा है तो उसकी जगह रख दिया हमने, इनटू फिर से टी, यहां पर कॉस की जगह रखेंगे टी स्क्वायर और ये साइन एक्स डी एक्स की जगह आएगा माइनस ऑफ डी टी, तो ये आ गया माइनस ऑफ डी टी। अब यहां पर ये जो साइन माइनस है इसको तो हमने बाहर लिख लिया, और ये टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम दोनों में 1 बाय 1,
फर्स्ट टी स्क्वायर का वन में हुआ मल्टीप्लाई, देन टी स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो टी की पावर फोर हो जाएगी। बेस सिमिलर होता है तो पावर एड हो जाती है। अब ये जो बाहर माइनस साइन दिख रहा है इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम, तो ये माइनस का टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टी की पावर फोर डी टी। अब दोनों का आप इंटीग्रल कर लीजिए तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा टी की पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, और इसका इंटीग्रल होगा टी की पावर फोर प्लस वन अपॉन फोर प्लस वन प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप, टी की वैल्यू ये बचेगी थ्री अपॉन थ्री प्लस टी की पावर फाइव अपॉन फाइव प्लस सी। टी की वैल्यू रख दीजिए, टी हमने किसे लाइट किया था, कॉस एक्स को हमने टी लाइट किया था यहां पर, तो इसकी जगह रखेंगे हम कॉस एक्स का क्यूब अपॉन थ्री प्लस कॉस की पावर फाइव एक्स अपॉन फाइव प्लस सी। ये फाइनल आंसर है। और देखिए क्वेश्चन इस टाइप का, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, इसमें दोनों ही जो है ऑड पावर है, अगर एक ऑड पावर होती तो हम उसको ब्रेक करते, बट इसमें दोनों ही ऑड पावर है तो इसमें हम किसी को भी ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल पावर है। अगर यहाँ डिफरेंस होता कम ज्यादा वाला तो जो कम होती ऑड पावर जिसकी हम उसे ब्रेक करते, बट यहां पर दोनों इक्वल पावर है तो आप किसी को भी ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट हमने आई लेट किया साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स को, अब दोनों में से आपको जो बेटर लगे आप उसको ब्रेक करिए। मैं कॉस को ब्रेक करना चाहूंगा यहां पर, आई इक्वल टू साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब को हमने ब्रेक किया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब ये जो स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ है इसे हम साइन में चेंज कर लेंगे, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब हमने कॉस साइन एक्स को टी लाइट करा, साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स डी एक्स, जो यहां पर ये टर्म दिख रही है हमें कॉस एक्स डी एक्स इसका डिफरेंशियल है, तो आई की वैल्यू आ जाएगी टी क्यू वन माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। ये हमने जो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया यहां पर पुट कर दिया पूरा। अब इसका जो बाहर टी क्यूब है हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टी क्यूब का हमने अंदर मल्टीप्लाई किया टी क्यूब माइनस टी क्यूब इंटू टी की पावर टू। बेस सिमिलर है तो पावर एड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा टी की पावर थ्री माइनस टी की पावर फाइव डी टी। अब इसका इंटीग्रल कर दीजिए, टी की पावर थ्री का क्या होगा, टी की पावर थ्री प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन, एंड टी की पावर फाइव का टी की पावर फाइव प्लस वन अपॉन फाइव प्लस वन प्लस सी। तो देखिए ये आ गया है टी की पावर फोर अपॉन फोर माइनस टी की पावर सिक्स अपॉन सिक्स प्लस सी। टी जिसे आपने लाइट किया था वापस यहां रख दीजिए, टी हमने लाइट किया है साइन एक्स को, तो ये आ जाएगा साइन की पावर फोर एक्स अपॉन फोर माइनस साइन की पावर सिक्स एक्स अपॉन सिक्स प्लस सी। ये फाइनल आंसर है इसका। अब हमने जो क्वेश्चन लिया है dx अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस की पावर थ्री एक्स, तो इसका टाइप समझना जरूरी है कि किस टाइप का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट आपको हम टाइप समझा दे रहे हैं, dx अपॉन साइन की पावर एम एक्स इंटू कॉस की पावर एन एक्स, ये जो टाइप है इस टाइप के क्वेश्चन है। यहां पर फर्स्ट हम इसमें क्या करते हैं, एम और एन को प्लस करते हैं, तो देखिए टोटल कितना आएगा। फर्स्ट हमने इसको आई लेट किया पूरे को, साइन एक्स इंटू कॉस की पावर थ्री एक्स, ये साइन की पावर यहां पर वन है और वन और थ्री दोनों को प्लस करिए टोटल आएगा फोर। तो यहां पर जो आ रहा है टोटल, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हमें उसी कॉस की पावर टी से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय कॉस की पावर टी एक्स। यहां पर टी का मतलब यह है कि जो वन और थ्री को प्लस किया गया है उससे आपको डिवाइड करना है, तो हम यहां पर डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडेड बाय कॉस की पावर फोर एक्स, पूरे को डिवाइड करिए तो वन अपॉन कॉस की पावर फोर एक्स डी एक्स, अपॉन वाली जो टर्म है इसको भी हमने कॉस की पावर फोर एक्स से डिवाइड किया, कॉस क्यूब एक्स अपॉन कॉस की पावर फोर एक्स। तो मेन स्टेप तो यही थी, यहां पर ही आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये वन अपॉन कॉस है, कॉस ऊपर जाएगा तो ये सेक बन जाएगा, सेक की पावर फोर एक्स। अब जो अपॉन में पावर फोर दे रखी है, देखिए थ्री जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, वन बचेगा, अपॉन बचेगा ओनली साइन एक्स अपॉन
कॉस एक्स। तो आगे देखिए आगे क्या करेंगे हम इसमें, अब जो न्यूमरेटर में टर्म है sec की पावर 4 इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं, और डिनोमिनेटर में टर्म बन गई sin अपॉन cos 10x। देखिए अगर हम 10x को t रखते तो ऊपर होना चाहिए था sec square x, बट यहाँ पावर ज्यादा है तो इसको हम स्क्वायर से ब्रेक करेंगे sec square x into sec square x dx। अभी भी आप देखिए अगर हम 10x को t रखते हैं, 10x को अगर हम t रखते हैं तो sec square x dx तो आ जाएगा, बट इस sec square का क्या करेंगे, तो इसके लिए हम इसे फर्स्ट 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आइडेंटिटी होती है 1 plus 10 square theta equal to होता है sec square theta, तो हमने इसको लिखा 1 plus 10 square x sec square x के इक्वल ही होता है sec square x dx upon 10x। तो अब हम इसमें 10x को t लेट कर लेते हैं, लेट 10x equal to t, 10x का डिफरेंशिएशन करिए ये होगा sec square x dx आ जाएगा dt। तो रख दीजिए इसमें i 1 plus t का स्क्वायर अपॉन t into dt। अब जो अपॉन में t है उसका सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं हम दोनों में, 1 by t plus t square upon t into dt। ये देखिए t से t कैंसिल हो गया, ये 1 by t है, 1 by t का इंटीग्रल होगा log t plus, यहाँ पर log mod t भी लिख सकते हैं हम क्योंकि log में हमेशा जो भी यहाँ वैल्यू है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहती है, तो t बचा यहाँ पर, t का इंटीग्रल चलिए अगली स्टेप में कर लेंगे। तो log modulus t प्लस t का होगा इंटीग्रल t square by 2 plus t। अब t आपने जिसे लेट किया था यहाँ पर रख दीजिए वापस, t हमने किसे लेट किया है 10x को लेट किया है, तो यह आएगा log mod के अंदर 10x plus 10 square x upon 2 plus t, ये आंसर आ गया इसका। देखिए अब जो हम नेक्स्ट टाइप का इंटीग्रल का क्वेश्चन देख रहे हैं, ये बाय पार्ट्स वाला क्वेश्चन है, इसमें इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगेगा। फर्स्ट हमने आई लेट किया x cos x dx को, तो यहां पर बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, u इंटू v अगर होता है टू डिफरेंट फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो देन बाय पार्ट्स होता है, u को रखना है v को इंटीग्रेट करना है, माइनस साइन डिफरेंशिएट करिए आप u को v को इंटीग्रेट करिए, जो पूरी टर्म रहेगी अगेन फर्दर आप पूरे को इंटीग्रेट करिए, ठीक है। अब यहां पर बात यह आती है कि u किसे लेट करना है, तो उसके लिए रूल होता है आई लेट का मतलब ये होता है i फॉर इनवर्स, l फॉर लॉगरिथमिक, a फॉर एल्जेब्रिक, t ट्रिग्नोमेट्रिक और e है एक्सपोनेंशियल, e पावर x वाले क्वेश्चन। तो यहां पर x एल्जेब्रिक है, ठीक है एल्जेब्रिक है, और cos है ट्रिग्नोमेट्रिक। देखिए आई लेट में a पहले आ रहा है इसलिए हम इसे u मानेंगे और इसको v मानेंगे, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए u into v वाले में बाय पार्ट्स में, x को बाहर रखेंगे, cos को हम इंटीग्रेट करेंगे, माइनस साइन डिफरेंशिएट करेंगे हम x को और cos x को हम यहां पर इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए आगे क्या होगा इसमें, i x बाहर है, cos x का इंटीग्रल होता है, cos का इंटीग्रल होता है sin x, तो ये हो जाएगा sin x, माइनस है x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और cos का इंटीग्रल फिर होगा sin x dx। तो देखिए ये टर्म क्या बची है, x sin x माइनस ऑफ sin x dx। अब हमें sin का इंटीग्रल बस और करना है, तो sin का इंटीग्रल होता है माइनस का cos x प्लस सी, तो ये माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा प्लस का कॉस एक्स प्लस सी, ये आंसर है इसका। तो अगेन हमने फिर से दो क्वेश्चन लिए हैं जो बाय पार्ट से रिलेटेड हैं, तो बात कर रहे हैं कि हम दोनों सिमिलरी क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं आपको, एक आप ट्राई करेंगे, ये वाला आप ट्राई करिएगा, इसमें log x को u रखेंगे। अब u log x को क्यों रख रहे हैं, तो वही कॉन्सेप्ट है आईलेट वाला, ट्रिक है ये आईलेट, यहां पर i है इनवर्स फंक्शन, l लॉगरिथमिक है, a एल्जेब्रिक है, लॉगरिथमिक a एल्जेब्रिक, तो जो x वाला फंक्शन है
उससे आप वी लेट करेंगे क्योंकि ये आई लेट में बाद में आ रहा है, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि लॉग एक्स का हमें इंटीग्रल नहीं आता है, तो जिनका भी इंटीग्रल आपको नहीं आता है उनको आपको यू लेट करना होता है। ठीक है, सिमिलर हम सेकेंड क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, अभी करा रहे हैं आपको, ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे। तो देखिए इसमें log x वाले फंक्शन को हमने u लेट किया और x वाले फंक्शन को हमने v लेट किया है, तो i की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, यहां पर लगाइए, बाय पार्ट्स लगाइए, बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, u इंटू v dx, u को रखा, v को इंटीग्रेट करना है माइनस का साइन, डिफ्रेंशिएट करिए आप u को, v को इंटीग्रेट करिए, जो पूरी टर्म है अगेन आप इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो ये अप्लाई कर दीजिए पूरा, u की जगह आएगा log x का होल स्क्वायर और v की जगह आएगा x, माइनस साइन रहेगा, डिफरेंशिएट करेंगे हम log x का होल स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, v की जगह आएगा x dx, जो पूरी टर्म आएगी उसको हम अगेन यहां पर इंटीग्रेट करेंगे। i की वैल्यू देखिए क्या है, log x का होल स्क्वायर, x का इंटीग्रल होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, माइनस का साइन, डिफरेंशिएशन करना है यहां पर हमें एक्स स्क्वायर समझ के हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो यह आ जाएगा 2 log x, अब log x को हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंड फंक्शन में, तो log x का आएगा 1 बाय x, अब x का इंटीग्रल करिए, x का इंटीग्रल होगा एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स, तो देखिए आगे क्या होगा, फिर इसके आगे ये x से x यहां पर कैंसिल हो जाएगा एंड ये 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है, तो जो i की वैल्यू बची है एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस ऑफ, देखिए क्या बचा है यहां पर, x log x, या फिर इसको ऐसे ही रह दीजिए, log x इंटू x dx, बस इतना सा पार्ट यहां पर बचा है, हालांकि इसमें हमें अगेन बाय पार्ट्स फिर से लगाना होगा क्योंकि फिर से यहां पर टू फंक्शंस प्रोडक्ट में बन गए इंटीग्रल के अंदर, तो इसको फिर u लाइट करिए, फिर इसको v लाइट करिए, अगेन बाय पार्ट्स लगाइए इसमें, तो i की वैल्यू है x स्क्वायर बाय 2 log x का होल स्क्वायर, और हमने फिर से बाय पार्ट्स लगाया, यही फॉर्मूला हम फिर अप्लाई कर रहे हैं इसमें, तो u को रखा, u मींस यहां पर log x को बाहर रखा, v का इंटीग्रल करना है, माइनस साइन है, u को डिफरेंशिएट करिए, log x को हमें डिफरेंशिएट करना है, v को इंटीग्रेट करना है मींस x को इंटीग्रेट करना है, जो होल टर्म आएगी उसको हम अगेन इंटीग्रेट करेंगे, तो हमने ये फिर से बाय पार्ट्स यहां पर अप्लाई किया है, एक्स स्क्वायर बाय टू log x का होल स्क्वायर माइनस साइन log x, देखिए x का इंटीग्रल होता है एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस साइन, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, तो यह आ जाएगा 1 बाय x, x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय टू dx, ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, i की वैल्यू मिल गई हमें i स्क्वायर बाय टू log x का होल स्क्वायर, और ये चाहे तो माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाय टू log x, माइनस का यहां मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, यहां से 1 बाय 2 हमने बाहर ले लिया और अंदर केवल यहां पर x बच रहा है, x का इंटीग्रल अभी होना बाकी है, x को इंटीग्रेट करिए, x स्क्वायर बाय 2 log x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर बाय 2 log x, और हमने यहां x का इंटीग्रल किया, x स्क्वायर बाय 2 होगा प्लस c, एक स्टेप और बची है इसमें, आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 इंटू 2 का, बस ये आपका आंसर हो जाएगा log x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने फिर लिया है बाय पार्ट से x इंटू टेन इनवर्स x, तो यहां पर टेन इनवर्स x का हमें इंटीग्रल नहीं आता है इसलिए हम इसे u लेट करेंगे और v लेट करेंगे x को, या फिर आप i लेट का कॉन्सेप्ट यहां पर फिर लगा सकते हैं, ट्रिक लगा सकते हैं, आई फोर इनवर्स फंक्शन है तो इनवर्स फंक्शन को हमने पहले है इसलिए यू लेट करा है, और ए मतलब एल्जेब्रिक है, ठीक है, तो एल्जेब्रिक को हमने यहां पर वी लेट करा है, सेकेंड फंक्शन लेट करा है, तो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करिए उसमें वैल्यू, सबसे पहले हमने यू को रखा, टेन इनवर्स एक्स को रखा,
वी को इंटीग्रेट करेंगे हम, माइनस साइन रहेगा, डिफरेंशिएट करते हैं हम यू को, देन अगेन इंटीग्रेट करेंगे हम एक्स को, जो भी ये पूरी टर्म बन रही है इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये बाय पार्ट्स के फॉर्मूले में हमने बस वैल्यू रखी है, टेन इनवर्स एक्स, और एक्स का इंटीग्रल होगा एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस साइन, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का इंटीग्रल होगा एक्स स्क्वायर बाय टू डीएक्स। तो यहां तक देखिए आगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय टू, ये वन बाय टू को हमने बाहर ले लिया, यहां पर टर्म बची है एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये सिमिलर पावर हो गई, इक्वल हो गया, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है नीचे भी वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो या तो आप यहां पर डिवाइड करिए या फिर इसमें वन प्लस करके वन माइनस करके भी आप सेपरेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहां पर सेपरेट करना ज्यादा बेटर समझ रहे हैं, हमने यहां पर वन प्लस करेंगे वन माइनस करेंगे और सेपरेट डिवाइड कर लेंगे, माइनस वन बाय टू, तो जो ये एक्स स्क्वायर है इसमें हमने वन प्लस किया और वन को माइनस किया, नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें सेपरेट डिवाइड भी कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने यहां पर वन प्लस किया वन माइनस किया और अगली स्टेप में हम सेपरेट डिवाइड कर रहे हैं, वन बाय टू इसमें सेपरेट डिवाइड किया वन प्लस एक्स स्क्वायर में, सेपरेट डिवाइड करिए तो यहां पर वन में भी डिवाइड होगा वन प्लस एक्स स्क्वायर का, दोनों में ही डिवाइड हो रहा है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आई की वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर बाय टू इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय टू, तो यहां पर बचा वन, और वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है टेन इनवर्स एक्स, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, वन का इंटीग्रल हम इस स्टेप में कर लेंगे एक्स स्क्वायर बाय टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय टू का अंदर मल्टीप्लाई कर दी रहे, वन का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स माइनस वन बाय टू का, यहां भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा, प्लस का वन बाय टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आंसर है इसका फाइनली आंसर। अब हमने इनवर्स वाला क्वेश्चन लिया है साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें क्या करेंगे, लेट करिए आप एक्स को टेन थीटा, हम एक्स की जगह यहां पर टेन थीटा सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो dx क्या आएगा यहां से sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये दोनों वैल्यू इसमें अप्लाई कर दीजिए, तो साइन इनवर्स टू x की जगह रखा हमने tan थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू dx की जगह हम रखेंगे sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। अब देखिए ये पूरा का पूरा जो है वो फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का, साइन टू थीटा का ये फॉर्मूला बन जाएगा, इनटू में चल रहा है अपना सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, देखिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा टू थीटा इनटू है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये जो टू है ये कांस्टेंट हम बाहर आ जाएगी, यहां बचेगा थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, फिर वही आई लेट के अकॉर्डिंग हम इसे यू लेट करेंगे, इसे वी लेट करेंगे, और यहां पर y पार्ट्स लगा रहे हैं, y पार्ट्स होता है u into v, dx अगर है तो u को रखना है, v को इंटीग्रेट करना है, माइनस साइन u को डिफरेंशिएट करना है, v को इंटीग्रेट करना है, जो पूरी टर्म रहेगी उसको इंटीग्रेट करना है, तो करिए इसमें अप्लाई टू, हमने इस पूरे फॉर्मूले में y पार्ट्स के फॉर्मूले में अप्लाई किया, U की जगह रखेंगे हम थीटा, V की जगह रखेंगे sec स्क्वायर थीटा, तो U रखा हमने थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस डिफरेंशिएट करेंगे हम थीटा को sec स्क्वायर थीटा को हम इंटीग्रेट करेंगे, जो पूरी टर्म आएगी अगेन इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो I की जो वैल्यू है वो क्या आई थीटा, sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल होता है tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन वन sec स्क्वायर थीटा का हो जाएगा tan थीटा d थीटा, तो यहां पर पहुंच गए हम, आई आ गया टू, टू का अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं टू थीटा tan थीटा माइनस टू, यहां पर वन में मल्टीप्लाई होगा तो ये बचेगा
टेन थीटा। अब आगे देखिए, टू थीटा टेन थीटा माइनस टू, टेन थीटा का इंटीग्रल करेंगे, टेन थीटा का इंटीग्रल होता है लॉग सेक थीटा प्लस सी। देखिए ऐसे तो ये आपका आंसर हो जाता, बट प्रॉब्लम ये है कि थीटा की जगह हमने लेट किया था, एक्स की जगह लेट किया था हमने टेन थीटा, तो हमें थीटा की वैल्यू यहां पर रखनी होगी टेन इनवर्स एक्स। तो थीटा की जगह रख देते हैं टेन इनवर्स एक्स, और जहां टेन थीटा है उसकी जगह रख देते हैं हम एक्स। तो टू थीटा की जगह रखा हमने टेन इनवर्स एक्स, टेन थीटा की जगह रखा हमने एक्स, बट यहां पर टेन नहीं है तो हम जानते हैं कि हम sec थीटा को टेन में कैसे कन्वर्ट करें। sec को हम लिखेंगे रूट के अंदर sec स्क्वायर थीटा, और इसे हम लिख सकते हैं रूट के अंदर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमने लिखा रूट ऑफ वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सी। अब टेन थीटा की जगह आप रखिए एक्स, तो ये है इसका फाइनल आंसर। एक और क्वेश्चन लिया हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड इंटीग्रल के अंदर, तो यहां पर भी हमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना रहेगा। साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा लेट किया, ठीक है, यहां से अगर हम देखें तो एक्स आएगा साइन थीटा, ठीक है। अब साइन इनवर्स एक्स को अगर हमने थीटा लेट किया तो इसका डिफरेंशिएशन करना होगा हमें, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, थीटा का हो जाएगा डी थीटा। अब ये वैल्यू जो आई है वो यहां पर रख दीजिए, एक्स की जगह हम क्या रखेंगे साइन थीटा, साइन इनवर्स एक्स की जगह हमने थीटा लेट किया है, और ये जो पूरी टर्म है बाकी ये टर्म आ जाएगी डी थीटा के अंदर, डी थीटा लिख दिया हमने। अब यहां पर लगेगा बाय पार्ट्स थीटा साइन थीटा डी थीटा, ये यू हो जाएगा और ये वी हो जाएगा, इसमें लगाएगी बाय पार्ट्स। तो यू को रखा वी का इंटीग्रल माइनस, डिफ्रेंशिएट करते हैं हम यू को, वी को इंटीग्रेट करते हैं, जो होल टर्म रहती है उसको हम अगेन इंटीग्रल करते हैं। ये है बाय पार्ट्स फॉर्मूला, फॉर्मूले में हम वैल्यू अप्लाई कर चुके हैं। थीटा साइन थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, माइनस थीटा का हो जाएगा डिफरेंशिएशन वन, साइन थीटा का होगा माइनस कॉस थीटा डी थीटा। तो आई की जो वैल्यू है माइनस ऑफ थीटा कॉस थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पर बचेगा कॉस थीटा डी थीटा। आई माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रल क्या होता है साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस सी। अब यहां पर जो भी हमने वैल्यूज अप्लाई करी थी सब्स्टिट्यूट की थी वापस से रखनी होगी हमें। थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा की जगह हमने रखा साइन इनवर्स एक्स। कॉस थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, कॉस थीटा की जगह तो हम कुछ भी नहीं रख पा रहे हैं यहां पर, क्योंकि हमने जो एक्स लाइट किया वो साइन थीटा को लाइट किया, तो हम कॉस थीटा को साइन में चेंज करने के लिए फॉर्मूला ढूंढते हैं। तो ऐसा होता है कि कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसे हम लिख पाएंगे रूट के अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे ही कुछ हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं, कॉस थीटा को हमने लिखा रूट के अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिससे हम नेक्स्ट स्टेप में साइन थीटा की जगह एक्स लिख देंगे, प्लस ये जो साइन थीटा है इसकी जगह हमने एक्स लिख दिया है, ठीक है। प्लस सी अपनी जगह है, ये यही रहेगा, और बाकी देखिए माइनस का साइन इनवर्स एक्स रूट के अंदर साइन थीटा की जगह हमने क्या लिखा एक्स लिखा, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, ये आंसर है इसका।